नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रवीण चावड़ा। मेरे यूट्यूब चैनल लाइफ विद पीसी में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं ऐसी चीज़ पे बात करने वाला हूं जो मेरी आपकी हर एक की लाइफ में थोड़ा ना थोड़ा इफेक्ट करते हैं। जैसे कि मैं आप हर रोज़ कहीं ना कहीं जाते हैं, किसी को मिलते हैं, कुछ देखते हैं। हमें पता होता है लोगों को मिलते तो बोलते हैं यार ब्रांडेड चीज़ यूज़ करनी चाहिए या अनब्रांडेड। ये बात नहीं है कि ब्रांडेड क्या ऐसा होता है जो अनब्रांडेड में नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है जो अनब्रांडेड चीज़ होती है वो ब्रांडेड से भी अच्छे तरह से काम करती है। तो यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे कि हम किसी से मिलते हैं तो लोग अक्सर बात करते हैं यार शूज़ कौन से लेने चाहिए, नाइक, एडिडास, रिबॉक, अरमानी। फिर बोलते कपड़े कौन से लेने चाहिए, अरमानी, सारा ब्रांड के स्पेशल डिज़ाइन, वो बहुत महंगे होते हैं। फिर बात आती है वॉच की, तो बोलते हैं स्विस की ले लो ना, रोलेक्स, ओमेगा, राडो। फिर बात आती है सनग्लास की, तो लोग बोलते हैं रेबन अच्छा है। फिर सोचते हैं पेन कौन सा यूज़ करें, तो जिनके पास पैसे है वो बोले कि मॉन्ट ब्लैक ले लो, क्रॉस ले लो। वैसे पेन तो 5 रुपये का भी लिखता है, 50,000 का भी लिखता है, लेकिन ऐसी कौन सी खास बात है मॉन्ट ब्लैक में जो इसके पीछे आप 65,000 यानी कि करीबन 60,000 से ज़्यादा खर्च करते हो। आगे बात करते हैं मोबाइल पे, जैसे कि एप्पल का फ़ोन है बहुत महंगा आता है, लाखों में उसकी कीमत होती है। जो काम आपका 50,000 का करता है दूसरी कंपनी का, वही काम 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख का एप्पल का भी करता है। फिर बात आती है कार्स की, रोल्स रॉय। स्पोर्ट कार में देखिए बुगाटी वेरोन, इसकी स्पीड के लिए वो जानी जाती है, फेरारी, लैम्बोर्गिनी। ऐसे आसपास हमारे देखने को मिलता है कई चीज़ें होती है जो ब्रांड के हिसाब से जानी जाती है। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ कि हम ब्रांड कॉन्शियस इतने क्यों हैं। देखिए ब्रांड को यूज़ करने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जनरल हम देखते हैं तो क्या होता है, ये मेरा अपना मंतव्य है। सबसे पहले जो बात होती है ब्रांड को यूज़ करने की, वो होती है एक फीलिंग, इलाइट वर्क। मतलब वो लोग अपने आप को ब्रांड से जोड़ देते हैं, उनका स्टेटस सिंबल बन जाता है। जो लोग ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं वो सोचते हैं वो एक ऐसे वर्ग से बिलोंग होते हैं, यानी कि उस वर्ग में आते हैं जो बहुत बढ़िया लाइफ जीते हैं, दूसरों से अलग होते हैं, ये एक भावना होती है। दूसरी होती है सेल्फ सेटिस्फैक्शन। कुछ लोग ब्रांड को इसलिए यूज़ करते, उनको ऐसा लगता है कि ब्रांड यूज़ करने से उनको मज़ा आता है। और एक मेरा तीसरा जो मानना है वो ये है, अगर आप ब्रांड पसंद करते हो और चीज़ लेते हो तो ब्रांड महंगी होती है, लेकिन सामने उसको अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि ड्यूरेबल आपको चीज़ मिल रही है, वो ज़्यादा टिकती है, उसमें क्वालिटी भी बढ़िया होती है। ज़्यादातर आप देखिए जो महंगी चीज़ें होती है ब्रांडेड होती है, उनकी क्वालिटी अनब्रांडेड चीज़ों से अच्छी होती है। इसमें ऐसी बात सोचने की नहीं है कि वो अनब्रांडेड चीज़ें उसका काम नहीं कर सकती है, लेकिन वो बेहतर परफॉर्मेंस करती है। वो कोई भी बात हो, जैसे कि घड़ी हो, कपड़े हो, शूज हो, कार हो, मोबाइल हो, तो उनका एक वैल्यू रहता है। उन ब्रांड को मेंटेन करने के लिए उनको बहुत ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है और उसके हिसाब से वो उसको मेंटेन करते हैं। वर्ल्ड में ये पहले से चला आता है, चला रहा है और चलता रहेगा। ब्रांडेड जो चीज़ें होती है वो यूज़ होती है, नॉन ब्रांडेड चीज़ें जो होती है उनसे अभी के जो टाइम में बदलाव बहुत देखने को मिलते हैं। लोग जो मिडिल क्लास के होते हैं, लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, वो भी खर्च करके पैसे अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम दोस्तों देखें तो हमें मन में विचार आएगा कि क्या हमें ब्रांडेड चीज़ यूज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। तो इनका आंसर दोनों में हाँ और ना। मान लीजिए अगर आप कोई ऐसे पर्सन हो जिनको चीज़ें ज़्यादा ड्यूरेबल हो, ज़्यादा लंबी यूज़ करनी हो तो पसंद नहीं है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है ये कपड़े यार कितने टाइम से पहन, ये जूते यार कितने टाइम से पहन रहे हैं। तो और कपड़े और जूते जब पुराने होते जाते हैं तो कई लोगों का मन चंचल होता है, उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी इसको चेंज करना चाहिए। तो अगर आप महंगी ब्रांडेड चीज़ें लेते हो तो वो इतनी टूटती नहीं है। तो होता क्या है, वो इनका एक अलग का एस्पेक्ट है। और दूसरी बात, हाँ अगर आपके पास पैसे हैं, ब्रांडेड चीज़ आप लेते हैं, आप उसको ठीक से यूज़ करते हैं, आपको मज़ा आता है, तो लेनी चाहिए 100%। और इलाइट वर्क तो वो तो है, जिनके पास लग्जरी होती है, लग्जरी सोर्स योर स्टेटस। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो ब्रांड के सिवा कुछ चीज़ें यूज़ नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसे मोड भी आते हैं जब ब्रांडेड चीज़ें आपको नहीं मिलती है तो दूसरी चीज़ें भी यूज़ करनी चाहिए। मान लीजिए आप कहीं पर जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं सर्विस ब्रांडेड ही यूज़ करूँगा, 5 स्टार होटल में ही रहूँगा, 7 स्टार रिसोर्ट में ही रहूँगा, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है, जैसे कि आप कोई ट्रिप पर चले गए, तो क्या करना होगा, जो मिलता है उसे आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एक ये आपका ओपिनियन भी होना चाहिए कि हाँ मिलता है तो यूज़ करते हैं पैसे, क्योंकि एक बात वो भी है अगर ब्रांडेड चीज़ या सर्विस आप लेते हैं तो उसके ऊपर आपको चार्ज बहुत बढ़िया लगता है और वो आपको पे करना पड़ता है, लेकिन जो कमाने वाले हैं वो तो कमा लेते हैं और ब्रांडेड चीज़ और सर्विस यूज़ करते हैं। तो मेरा टॉपिक आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव और अन्य टॉपिक जिन पे आप वीडियो चाहते हो वो लिखिए, ताकि मुझे पता चले कि ये टॉपिक पे मैंने जो वीडियो बनाया आपको अच्छा लगा, आपने एंजॉय किया। होप ये वीडियो से आपको कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। देखिए एक बात तो ये है कि मैं अपने विचार यहाँ पे प्रेजेंट करता हूँ,
इसका मतलब ये नहीं कि मैं सही हूँ और दूसरा कोई गलत है। हो सकता है अपना अपना एक परसेप्शन होता है हर चीज़ को देखने का। लाइफ होती है, मैं अपने नज़र से जो लाइफ को देखता हूँ वो आप अपनी नज़र से ना देखते हो। तो एक मेरा छोटा सा प्रयत्न था जिसके द्वारा मैं आप तक ये बात पहुंचा सकूं। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगती है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो में आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच।